हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रेंड्स कि अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप बाइक लेने का सोच रहे थे तो आपको पल्सर 125 स्प्लिट सीट बेसिक्स मॉडल के लिए जाना चाहिए या एसपी 125 बेसिक्स मॉडल के लिए जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए 125 सीसी सेगमेंट में तो ये दोनों ही बाइक्स आपको काफ़ी अच्छी ऑफरिंग्स देखने को मिल जाती है अभी मार्केट में, और इन दोनों ही बाइक्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जब से पल्सर 125 स्प्लिट सीट BS6 मॉडल में आई है तब से देखा जाए तो इस बाइक का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जब BS4 मॉडल में ये बाइक लॉन्च हुई थी उस टाइम भी इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, बट उस टाइम क्या था कि ये बाइक सारी एरियाज़ में अवेलेबल नहीं थी। बट कंपनी ने इस बार इस बाइक को सारे ही एरियाज़ में अवेलेबल करवा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार, यूपी, झारखंड, इधर के आपको स्टेट्स में आपको सारी मतलब छोटे स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स आप बोले जहाँ पे भी आपको वो बाइक सभी देखने को मिल रही है। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि कंपनी ने भी डिमांड को समझा और इस बार लगभग सारी स्टेट्स में इस बाइक को अवेलेबल करवाया है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे कि कौन सी बाइक मुझे लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लें, आपकी जितनी भी डाउट्स हैं इन दोनों बाइक्स को लेकर वो क्लियर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी बाइक किसके लिए अच्छी रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, आप वहाँ पर मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, जरा भी स्किप ना करें, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ा पल्सर 125 स्प्लिट सीट मॉडल जो कि BS6 में कंपनी ने लॉन्च कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका फ्रंट का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सेम आपको हैलोजन लाइट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको पहले देखने को मिलते थे, और दो पायलट लैंप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रंट इसके टायर्स का। तो आप देख सकते हैं आपको इसमें फ्रंट में यहाँ पे आपको 80x100 का टायर देखने को मिल जाता है, और इस साइड में आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आप बात करते हैं यहाँ पे तो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में। आप चलते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो मीटर कंसोल में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे इंजन मल फंक्शन लाइट इस बार ऐड कर दिया गया है। और बात करते हैं यहाँ पे तो आपको न्यूट्रल का लाइट देखने को मिल जाता है, ये आपका इंडिकेटर का लाइट हो गया, और ये आपका स्पीड इंडिकेटर हो गया, इसमें आपको ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है, और ये एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन में मीटर आता है जो कि काफी अच्छा लुक देता है। अब बात करते हैं इसके हैंडल बार की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसमें यहाँ पे हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाता है, ये आपका इंडिकेटर का स्विच हो गया, यहाँ पे आपको हॉर्न मिलता है। तो हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ। तो हॉर्न जैसे कि आप सुन सकते हैं काफी लाउड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है, और ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका फ्रंट का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको इसमें फुल LED लाइट देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले आपको हैलोजन मिलता था। तो जैसे कि देख सकते हैं आप इसमें आपको स्प्लिट टाइप LED देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है बाइक को। और इसका जो वाइजर है उसका भी डिजाइन को फ्रंट से थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके सामने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपको इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम से फायदा यह होता है कि इसमें अगर आप बैक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रंट ब्रेक का भी कुछ पार्ट आपको इसमें यूज हो जाता है जो कि काफी अच्छा बात है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं इसके टायर्स का। तो इसमें आपको TVS का टायर देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको TVS का टायर देखने को मिल जाता है जिसका साइज है 80x100 18 इंच। तो इसमें आपको 18 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है फ्रंट में, जिसमें कि आपको 80x100 का टायर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो फ्रंट में सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। अब हम बात करते हैं इसका इस साइड से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर इसका जो स्टिकरिंग है उसको पूरा कंपनी ने चेंज कर दिया है, न्यू स्टिकरिंग आपको देखने को मिल जाता है, और ये जो डिजाइन है इसको भी थोड़ा चेंज कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको इंजन में एक होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है, और ये आपको अलग से लगाया गया है जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है। और इसमें आपको जो गियर है वो सेम पहले के जैसा ही 5-speed गियर वर्क देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसका मीटर का। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मीटर में, तो मीटर में आपको यहाँ पर इंजन वार्निंग लाइट देखने को मिल जाता है, ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, और ये आपका स्पीड मीटर हो गया। यहाँ पर आपको टाइम भी देखने को मिल जाता है, और ये आपका गियर इंडिकेट करेगा कि गियर क्या अभी किस गियर में चल रहा है। गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा बात है। अब हम बात करते हैं इसके हैंडल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसमें आपको पास लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और ये आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं इस साइड की। तो यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच भी देखने को मिल जाता है जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिलता था, और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्विच भी इंटीग्रेटेड एक में ही देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी टैंक की। तो टैंक में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है पल्सर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसमें काउल भी एड कर दिया गया है इस बार, बट इसमें आपको स्टिकरिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इस साइड में, यहाँ पर आपको कीक भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स 12 PS का, जो कि आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया सेम इंजन आपको नियॉन वाला ही देखने को मिलता है, इंजन में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस साइड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसमें एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, एग्जॉस्ट के डिजाइन में भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है,
और यहाँ पे आपको सेम सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, नाइट्रोक्स के सस्पेंशन। अब बात करते हैं इसके रियर का, तो रियर में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सेम पल्सर का जो आइकोनिक लाइट रहता है वही देखने को मिल रहा है, जो कि फ्रेंड्स अब इसका आप बोल सकते हैं सिग्नेचर बन चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बेसिक्स का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको रियर में जो टायर है वो आपको 100/80 का आपको टायर देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इस साइड का, तो यहाँ पर आपको कंपनी साड़ी गार्ड ऑफर कर रही है, जो कि आपको अभी सारी BS6 बाइक्स में देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसमें सेम वही पल्सर 220 वाला और पल्सर 150 ट्विन डिस्क वाला ही आपको इसमें ग्रैबरल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा लुक देता है। और सबसे बड़ा बात फ्रेंड्स की आपको इसमें स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है, जिसके लिए इसका काफी ज्यादा डिमांड आ रहा है, जो कि आपको सेम आपको पल्सर 150 ट्विन डिस्क वाला ही लुक देता है। अगर आप इसे अगर आप कंपेयर करते हैं पल्सर 150 से, तो आपको अगर आप इस बैजिंग को अगर आप हटा देते हैं तो कोई भी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये पल्सर 150 ट्विन डिस्क है या 125 है। बस यहाँ पे जो स्टिकरिंग है वो आपको मिसिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको सेम गियर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग गियर के लिए कमेंट करते हैं तो आप गियर में यहाँ पर देख सकते हैं आपको A1 डाउन और 4 अप देखने को मिल जाता है। 5 गियर बॉक्स का सेटअप आपको इसमें देखने को मिलता है। और जो इसका इंजन है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर देखने को मिलता है, आपको इसमें फ्यूल इंजेक्शन नहीं मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसके टैंक का यहाँ पर ऊपर में, तो जैसा कि आप ऊपर से देख सकते हैं बाइक काफी मस्कुलर देखने में लग रहा है, आपको देख के लगेगा नहीं कि 125 सीसी की बाइक है, तो काफी अच्छा लुक बाइक को दे रहा है। अब हम बात करते हैं इसका रियर साइड का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सेम पीछे आपको जो है इसका जो सस्पेंशन है वो नाइट्रोक्स सस्पेंशन आपको जो पहले मिलता था वही देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि अब RTO की तरफ से कंपलसरी हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके रियर की, तो इधर आइए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रियर में आपका इसका जो LED लाइट का जो डिजाइन है पीछे का ब्रेक लाइट का, उसको भी चेंज कर दिया है कंपनी ने, जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है। और ये जो ग्रैब रेल्स है इसमें आपको रबड़ फिनिश देखने को मिलता है, जो कि बाइक को काफी अच्छा लुक दे रहा है और ग्रिप भी काफी अच्छा है इसका। अब हम बात करते हैं इस साइड का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आपको रियर का जो टायर मिलता है वो 80/100 का आपको टायर देखने को मिलता है, 18 इंच का। तो टायर इसका थोड़ा सा पतला है पीछे का, लेकिन बात करें बाकी बात तो बाइक लुक बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब हम देख सकते हैं, अब इस साइड दिखा दीजिए, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको न्यू स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है, SP125 का ब्रांडिंग और BS6 का आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको सबसे बड़ा बात है कि आपको इसमें किक भी देखने को मिल जाता है, तो किक से आपका क्या होगा कि अगर आपकी बैटरी कभी डाउन हो जाती है तो आप किक से इजिली स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बाइक को। और इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन भी कंपनी ने ऐड कर दिया है, जिससे कि आपको पहले से ज्यादा माइलेज भी देखने को मिल जाएगा और जिसका एफिशिएंसी है वो भी पहले से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको अगर इसमें माइलेज का इजिली 10-12% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा दोनों बाइक का डिफरेंस। अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सी बाइक किसे लेनी चाहिए, तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों की प्राइसिंग का। तो SP125 जो है वो आपको 92,000-93,000 के अप्रॉक्स में आपको ऑन रोड देखने को मिल जाता है इसका डिस्क वेरियंट। और बात करते हैं स्प्लिट सीट मॉडल का, तो वो आपको 94,000-95,000 रुपीज के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाता है ऑन रोड। तो बात करते हैं दोनों में प्राइस डिफरेंस का, तो प्राइस में फ्रेंड्स आपको 1-2,000 रुपीज का ही डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब बात करना चाहेंगे कौन सी बाइक किसके लिए अच्छी रहेगी, तो फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स के साथ बाइक चाहिए, मतलब फीचर रिच बाइक चाहिए, जैसे कि गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, LED लाइट्स, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, LED लाइट्स वगैरह अगर आपको चाहिए, तो आप SP125 के लिए चाह सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको फीचर्स से उतना मतलब नहीं है और अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए, तो आप फ्रेंड्स आप पल्सर 125 स्प्लिट सीट के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स लुक का, तो लुक्स तो ऐसे पर्सनल होता है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा मुझे पर्सनली स्प्लिट सीट का जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू SP125। तो लुक्स के हिसाब से आप अपना देख ले फ्रेंड्स, बाकी फीचर वाइज तो SP125 आगे और पावर वाइज आपका पल्सर 125 आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगर आपको हाईवे राइडिंग वगैरह करना है, तो फ्रेंड्स आप पल्सर 125 के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको वाइडर टायर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको सिटी कम्यूटिंग के लिए चाहिए, तो आप SP125 भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। तो आप यहाँ पे देख ले फ्रेंड्स आपकी चॉइस के हिसाब से कौन सी सुटेबल बैठती है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टा ID का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।